ख़वातीन व हज़रात, कैथलिक टीवी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। पेशे खिदमत है प्रोग्राम क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान। इस प्लेटफॉर्म पर हम अक्सर अपने नौजवानों को मुतारफ़ करवाते हैं जिनको खुदा ने बेशुमार बरकात, फ़ज़ाइल, नेमतें और टैलेंट्स दिए हैं, और ऐसे टैलेंट्स दिए हैं जिससे वो दुनिया में, अपनी सोसाइटी में, मुआशरे में अपना नाम पैदा कर रहे हैं। दे आर मेकिंग द डिफरेंस। आज मैं एक ऐसे हीरो को पेश कर रहा हूँ, एक ऐसे नौजवान को नहीं, एक लिटिल स्टार को, एक छोटे बच्चे को, गालबन 10-11 साल का है, उसको आपके सामने ला रहा हूँ। खुदा ने उसे बहुत बरकत दी, बहुत फजाइल दिए। इस छोटी सी उम्र में उसने एक ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। आमतौर पे आपने केटू पहाड़ का नाम सुना होगा, दुनिया के जो बुलंद तरीन पहाड़ हैं उनमें से एक पहाड़ जो है उसका नाम है केटू पहाड़, जो पाकिस्तान में है। इसकी चोटी जो है ना केटू पहाड़ की, वो है 28,251 फुट है। आमतौर पर हम गैर मुल्की स्याहों को देखते हैं कि वो इस पर क्लाइंबिंग करते हैं, इस चोटी पर चढ़ते हैं, लेकिन जहां से वो अपना सफर शुरू करते हैं वो जमीन से नहीं है। उनको हेलीकॉप्टर के जरिए या किसी और दूसरे वसाइल से, एक बेस कैंप है जिसको कहते हैं कॉनकॉर्डिया बेस कैंप, ये भी जमीन पर नहीं है। इसकी बुलंदी भी 15,390 फीट है, और वहां से वो अपना पहाड़ जो है वो चढ़ना शुरू करते हैं। अब ये जो कॉनकॉर्डिया बेस कैंप है, वहां तक पहुंचना भी बड़ी बात है। दो तरीके हैं, या तो आप पैदल चलकर जाएं, जिसको हम ट्रैकिंग कहते हैं, या आपको कोई जहाज या हेलीकॉप्टर वहां लेकर जाए। आज मैं जिस हीरो को, लिटिल स्टार को आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसने 15,390 फुट कॉनकॉर्डिया बेस कैंप तक ट्रैकिंग करके पहुंचे 10 साल। आपने गालबन पिछले दिनों में देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुई है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो नाम भी इतना वाजे नहीं हो रहा, इस बच्चे को बड़ा हीरो बना के पेश किया गया है कि इसने ट्रैकिंग की है और 15,390 फुट ट्रैकिंग करके कॉनकॉर्डिया बेस कैंप तक पहुंचा है। मुझे ये इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ये बच्चा है कौन, और खूबसूरती ये हुई कि वीडियो में जब मैंने ये देखा कि ये क्रिश्चियन है तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी एक प्रमोटर हैं मिस नसीम सादिक, उनसे रबता किया और उनकी मेहरबानी से आज हमें ये मौका मिला कि मैं उनके साथ, ये लिटिल हीरो के साथ रूबरू गुफ्तगु कर सकूं। और हमारा ये लिटिल हीरो है वाइज आशर। वाइज आशर, आपको वेलकम, खुश आमदीद। थैंक यू। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 10 साल है। 10 साल उम्र है? हाँ जी। ये जो वीडियो मैंने देखी है, ये सच्ची वीडियो है? हाँ जी, ये सच्ची वीडियो है। ये सच्ची वीडियो है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने 15,390 फुट जो है ये ट्रैकिंग करके, आप केटू पहाड़ के जहां से क्लाइंबिंग शुरू होती है कॉनकॉर्डिया बेस कैंप, आप वहां तक पहुंचे? हाँ जी, मैं वहां तक पहुंचा हूँ। देख लो। हाँ जी। मैंने अभी तस्वीरें भी दिखानी है आपकी। पक्की बात है? हाँ जी, पक्की बात है। अच्छा, ये ख्वाब कैसे आया कि आप 10 साल की उम्र में 15,390 फुट की बुलंदी ट्रैकिंग करके जाएं, ये कैसे हुआ है? मेरा ख्वाब इस तरह से ये पैदा हुआ कि मैं अपने डैडी और अपनी पूरी फैमिली के साथ मैं वो ट्रैकिंग करता हूँ, और ये 2018 से मैं ट्रैकिंग करता हूँ, और ट्रैकिंग करते करते ये मुझे ख्वाब आया कि मैं केटू की ट्रैकिंग भी करूँगा। अच्छा। और देखो कि अभी मैं केटू की ट्रैकिंग और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करके कामयाबी से यहाँ पे खड़ा हूँ।
सो आप ये कह रहे हैं कि आप पहले बच्चे हैं जिन्होंने ये 15,390 फुट की ट्रैकिंग की है, आपने रिकॉर्ड कायम किया है? हाँ जी। ये पहले कभी कोई बच्चा यहाँ ट्रैकिंग करके नहीं गया? नहीं, कोई भी बच्चा यहाँ पे ट्रैकिंग करके नहीं गया। तो इसकी तस्दीक कौन कर रहा है, किसने कहा कि आप पहले हो? ये सब कहते हैं कि मैं पहला बच्चा हूँ जिसने ये कनकोडिया बेस कैंप K2 का ट्रैक किया है, और मेरे डैडी ने भी मुझे बताया कि मैं पहला बच्चा हूँ, और आर्मी भी यही बताती है कि मैं पहला बच्चा हूँ। वाइस, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? MT ओपन डोर स्कूल में। आप रहते कहाँ हैं? मैं यूहानाबाद में रहता हूँ। ट्रैकिंग करने का शौक कैसे हुआ? क्योंकि 2018 में एक पहली दफ़ा हम गए थे, तो तब हमने ट्रैकिंग की। किसके साथ गए थे आप? मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, और तब हमने फैमिली आपकी कोई बीवी बच्चे हैं? नहीं, हाँ? मैं अपने डैडी मामा के साथ गया था। अच्छा अच्छा। और तब ट्रैकिंग की, और तब से शौक हो गया कि अब ट्रैकिंग के साथ ही हमने आगे बढ़ना है। पहली बार किधर गए थे आप पहाड़ों पर? हम पहली बार गए थे कश्मीर। अच्छा। और तो वहाँ पर ट्रैकिंग की थी। कितने दिन वहाँ रहे आप लोग कश्मीर में? 3 दिन। 3 दिन रहे थे, और फिर उसके बाद आप हर साल जाते हैं किसी न किसी जगह पहाड़ों पे? हर साल हम जाते हैं। सो आपको वहाँ 2018 से आपको शौक हुआ कि आप ट्रैकिंग करें, इस ट्रैकिंग में कोई मुश्किलात पेश आई आपको? हाँ जी, मुश्किलात तो बहुत थी, और ये खतरनाक भी था, लेकिन खुदा मेरे साथ था और हम कामयाबी से वापस आए हैं। ये कितने दिन आपको लगे वहाँ बेस कैंप तक पहुँचने के लिए? बेस कैंप तक पहुँचने के लिए हमें 7 दिन लगे, और टोटल हम 13 डेज में इसको ट्रैक करके हम वापस आए हैं। तो शुरू कहाँ से किया था? हमने ये शुरू किया था अस्कोली से, ट्रैकिंग शुरू की थी हमने। अच्छा। और हम कनकोडिया बेस कैंप तक ट्रैकिंग करके गए, और फिर ट्रैकिंग करके ही हम वापस आए। अच्छा, ट्रैकिंग करके गए ऊपर बेस कैंप तक, और ट्रैकिंग करके वापस आए आप? हाँ जी। वैसे वहाँ कोई बसें बुसें आती जाती हैं? नहीं, बस वगैरह तो कोई भी नहीं है। अच्छा, तो कैसे लोग ऊपर चढ़ जाते हैं वहाँ तक, कैसे जाते हैं फिर? वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी होते हैं, जो कि जिन्होंने सबमिट करना होता है वो हेलीकॉप्टर पे पहले कनकोडिया बेस कैंप तक आते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो आगे सबमिट करने के लिए क्लाइंबिंग करते हैं। जब आपने शुरू किया था तो कोई डर खौफ था कि बस बहादुर थे आप? तब तो अभी तक मुझे कुछ भी नहीं था पता, बस का ही था कि ये खतरनाक है, लेकिन जब ट्रैकिंग शुरू की है। अच्छा। तब ये बहुत खतरनाक था। खतरनाक था? अच्छा, क्या चीज जो आपको बड़ी खतरनाक लगी है वहाँ पे? वहाँ पे एक बलतरो ग्लेशियर था। अच्छा। और एक दिन हम जब उसके ऊपर हम चल रहे थे, तो क्योंकि मौसम साफ था, तो उसकी वजह से सूरज निकला था। ठीक है। तो वो सूरज निकलने की वजह से बर्फ पिघलती थी, और अच्छा, वो ग्लेशियर टूट जाता था। वो अच्छा, तो फिसलने का डर होता है वहाँ पे? हाँ जी, फिसलते तो हैं, पर वहाँ पे क्योंकि कुछ ग्लेशियर्स के ऊपर ना मिट्टी होती है और पत्थर होते हैं, वो ऐसे लगता है कि ये पहाड़ है। अच्छा। पर वो पहाड़ नहीं होते हैं, वो ग्लेशियर ही होता है। तो आप सोते किधर थे? आखिरी 3 दिन जो थे हमारे ग्लेशियर पे हम सोते थे, और जो पहले 4 दिन थे वो हम जो थे वो पहाड़ के ऊपर ही सोते थे। यार, ये ग्लेशियर तो बर्फ जमी होती है ना, बर्फ के पहाड़ होते हैं, तो इतनी ठंड में कैसे आप रह गए वहाँ? बस खुदा साथ था तो रह लिया। वैसे ठंड लगती थी वहाँ? कोई हवा शवा ठंडी चलती है? रात के वक्त हवा बहुत ही तेज थी, तेज होती है हर दफा ही। अच्छा। और हमारे टेंट को जब हवा लगती थी ना, तो वो बहुत शोर भी होता था, और शोर में सो जाते थे आप? हाँ जी यार, बड़े थके तो बहुत होते थे ना। वो अच्छा, थके होते थे? हाँ जी। तो जब ट्रैक करके जाते आप थक जाते थे? हाँ जी, मैं ट्रैक जब करता था और तब थक जाता था। अच्छा, फिर रेस्ट करते थे, क्योंकि हम रास्ते में तो ट्रैक कर रहे होते थे, हम एक दफा पूरा खत्म नहीं थे करते, हम ना जब थकते थे ना टू मिनट्स का हम रेस्ट लेते थे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते थे। बस 2 मिनट्स? हाँ जी। तो खाना शाना भी खाते थे कि नहीं इस दौरान में, कि बस चलते रहे? खाना शाना भी खाते थे, और भी बहुत कुछ था वहाँ पे। अच्छा, तो खाना पकाता कौन था? आप अकेले थे या आपके साथ भी कोई था? हमारे साथ हमारा पूरा ग्रुप था, 5 लोगों का।
अच्छा, कौन कौन थे आपके ग्रुप में? मेरे डैडी, आपके डैडी और मेरे चाचू। अच्छा, और दो लोग और थे। और कौन थे दो लोग? वो दो, एक मेरे डैडी की कंपनी की वो बॉस है। हाँ हाँ। और एक उसकी फ्रेंड थी। अच्छा, और उसकी जो फ्रेंड है ना वो ट्रैकर है। हाँ हाँ। और उसकी वजह से हम उनको भी लेके गए थे। आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के तो मैं ट्रैकर ही बनना चाहता हूँ और माउंटेनियर भी। माउंटेनियर बनना चाहते हो? वाह, तो पढ़ाई शढ़ाई छोड़ देंगे कि जारी रखेंगे? पढ़ाई तो जारी रखेंगे, पढ़ाई नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, पढ़ाई नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ जी। वैसे पढ़ाई में कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? साइंसदान बनना चाहते हो? वो तो आप ट्रैकर ही बनेंगे, लेकिन हाँ कोई पढ़ाई शढ़ाई भी करेंगे, मैट्रिक हाँ करेंगे, एमए करेंगे, कहाँ तक जाओगे? जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक खुदा चाहे वहाँ तक ही। और जहाँ खुदा चाहे, बड़ी अच्छी बात आपने की है। ट्रैकिंग कर रहे थे जब आप, कभी ऐसे होता था कि आप, आपका पाँव भी फिसला है, और फिर आपने क्या किया? जब पाँव फिसलता था तो तब उसको, तब क्योंकि हमारे साथ खुदा होता था। अच्छा। तो खुदा हमारी पूरी हर तरफ से हमारी मतलब के हिफाजत करता था। हाँ जी, हिफाजत करते थे। और निगाहबानी भी। हाँ जी। और पैर तो जब फिसलता ही था तो हम उसको हैंडल कर लेते थे क्योंकि हमारे साथ खुदा होता था। अच्छा, तो हैंडल कैसे आप करते थे ये मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या करते थे? क्योंकि जब फिसलता था ना तो वहाँ पे पत्थर भी होते थे। अच्छा, तो वो पत्थर जो थे ना, मैं उसको पकड़ लेता था कई दफा तो। ओके, वेरी गुड। अच्छा, जब वापस आए तो आपने कहा कि आप ट्रैकिंग करके गए, ट्रैकिंग करके वापस आए, कोई वहाँ लोग थे जिन्होंने आपको बड़ी शाबाश दी, अप्रिशिएट भी किया? वो आर्मी के सिविल लोग थे वहाँ पे, जो उनका वो खाना वगैरह पहुँचाते हैं उनकी पोस्ट के ऊपर। अच्छा, वो लोग, उन लोगों ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और आर्मी ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। कुछ सर्टिफिकेट भी मिला कि बस ऐसे ही है? अंजू, जो कंपनी हमें लेके गई थी उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया है। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी ट्रैकिंग करती है और लोगों को अपने साथ लेके जाती है। अच्छा, तो ये इस कंपनी ने आपको दिया सर्टिफिकेट? दिखा सकते हैं जरा, ये कैमरे में दिखाएं ताकि लोग देख सके। वाइस, हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपने इस छोटी उम्र में, कितने साल का आपने कहा है? 10 ईयर्स। आप 10 ईयर्स हैं, 10 साल के हैं, और 10 साल में इतना बड़ा मार्का मार लिया है। हमारी दुआ है कि आप इससे भी बड़े बड़े मार्के मारें। आप जैसे कितने बच्चे और भी हैं जो चाहेंगे कि वो भी जाएं, आप उनको आज क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप ट्रैकिंग, क्योंकि मैंने ट्रैकिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो आपसे ट्रैकिंग नहीं होती तो आपके पास जो अपना पैशन है आप उसको ट्रेन करें और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ग्रेट वाइस, आपको खुदा ने ना बाकी एक बहादुर इंसान बनाया और साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आया है? ये गॉड गिफ्टेड ही है। और ये गॉड गिफ्टेड है? अच्छा, किसी ने सिखाया सिखाया नहीं है? सिखाते भी हैं थोड़ा बहुत, पर ज्यादा तो ये गॉड गिफ्टेड ही है। ओके गॉड। अच्छा, आपने ये ट्रैकिंग करना वैसे ही फैमिली के साथ जाते रहे और सीख लिया कि कहीं से कुछ सीखा भी है कि ऐसे पांव रखना है, ऐसे चलना है, आगे ये करना है, कि ऐसे ही बस चले गए? ये मैंने सब कुछ अपने डैडी से ही सीखा है क्योंकि वो ट्रैकर हैं और अच्छा। उनकी कंपनी भी है, मैंने ये सब कुछ अपने डैडी से ही सीखा है और मेरे टीचर भी मेरे डैडी ही हैं। ख़वातीन हज़रात, यकीनी तौर पर आपकी दिलचस्पी होगी, ये छोटा सा बच्चा है, 11 साल, 10 साल उसने कहा है, मैं 10 साल का हूँ, और उसकी बातें तो बड़ों जैसी हैं और उसका कॉन्फिडेंस लेवल, भाई आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन ये सारा कुछ जहाँ वो पहुँचा है, जो उसने अचीव किया, उसने खुद अपनी जुबान से कहा है कि ये मेरे डैड और मेरी फैमिली ने किया है। तो आई मैं आपको ज़रा फैमिली से भी मुतारफ करवाता हूँ। जनाब आशर साहब और मिसिस आबदा आशर, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ, और एक वो नन्ही सी रूह भी परे बैठी हुई है उसको भी वेलकम कहता हूँ। सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके बेटे ने 10 साल की उम्र में
वो काम किया है जो बड़े बड़े भी नहीं करते हैं। शुक्रिया। सो क्या फील कर रहे हैं सर? अब इतना बड़ा अचीवमेंट होने के बाद जो दिल में खुशी थी, आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि चौथे दिन के बाद जो सिचुएशन थी बहुत ही ख़तरनाक थी। ऊपर अच्छा। उसकी वजह यह थी कि चौथे दिन के बाद आगे से माउंटेन पहाड़ जो हैं वो ख़त्म हो गए और हमें टोटली बलतरू ग्लेशियर के ऊपर चलना था। ओके। और यकीन जानने के मेरा हर कदम इसी तरह से मेरे आंसू होते थे और मैं खुदा से मांगता था कि मैं जिस साइड पे मैं आ चुका हूँ ना मैं पीछे हट सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरा बेटा जा रहा है, इसकी नाकामी मेरे लिए कबूल नहीं है, कामयाबी चाहिए मुझे, कामयाबी चाहिए। और साथ में ये कहता था कि ये बच्चा जो कि सर्दियों में यहाँ पे बीमार हो जाता है, मैं उसको लेके ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे शदीद सर्दी है, और मेरा हर कदम दुआ के साथ था। यार ये रिस्क क्यों लिया आपने इतना बड़ा? ऐसा था कि मुझे तो जाना था, मेरी कंपनी है, मुझे अपने कंपनी के टूर निकालने के लिए खुद करना था इस ट्रिप को। अच्छा। तो इसने मुझसे जिद की कि मुझे जाना है। ठीक है। हमने 2 माह प्लानिंग कर रहे थे और इस 2 माह की प्लानिंग में ये जिद था, ठीक है जाना ही है। क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी छुट्टियों में मैं जाता था तो ये लाजमी मेरे साथ होता है, मेरी फैमिली लाजमी साथ होती है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि छुट्टियाँ हैं तो ये भी साथ में एंटरटेन करें। छुट्टियाँ आप पहाड़ों पे गुजारते जी, पूरी कोशिश होती है कि इनको जो है जिस ट्रिप में भी जगह है इनको साथ लेके जाया जाए। तो अब ये बजट था कि मुझे जाना है, तो मैं 2 माह कोशिश करता रहा कि ये ना जाए, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने अपनी वाइफ को पूछा, वो कहती कि मैं तो नहीं जाने दूंगी, मतलब इतना ख़तरनाक जगह है, आपने भी खुद भी नहीं उसको देखा हुआ तो आप उसे लेके जा रहे हैं, कहती एक दफ़ा आप हुए तो आप भी पहली मर्तबा गए हैं ऊपर। जी ये मैं भी पहली दफ़ा गया हूँ। तो मुझे ये भी पता चल गया कि अभी तक वहाँ पे कोई बच्चा गया नहीं है, पूरी दुनिया में से कोई नहीं गया। ठीक है। तो जिस कंपनी ने आपको बताया कि ये पहला बच्चा है कि जो ऊपर कंकोडिया कैंप बेस कैंप पे जा रहा है, जो FIU सेक्शन है आर्मी के अंडर, ये सेक्शन है वहाँ पे उनका कंट्रोल है वहाँ जी, क्योंकि आगे सारी मतलब अस्कोली से आगे वो सिर्फ ये वो लोग जाते हैं जिनको परमिशन मिलती है आर्मी की तरफ से। हाँ। क्योंकि वो आर्मी एरिया है। आपने आर्मी से परमिशन ली है? जी हम आर्मी की परमिशन के बगैर जा ही नहीं सकते हैं वहाँ पे। ओके। मतलब अगर हम कोशिश करके इधर उधर से चले भी जाएंगे तो चौथे तीसरे दिन से हमको वहाँ से वापस भेजा जाएगा। ठीक है। मतलब आर्मी आगे नहीं जाने देती है विदाउट परमिशन। ये कैसे परमिशन मिलती है और किसको मिलती है? FIU सेक्शन में बकायदा जो है एप्लीकेशन दी जाती है। ठीक है। उसमें साथ में जो ID कार्ड है ओरिजिनल वो उनको दिए जाते हैं। ठीक है। और जो कंपनी मतलब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं इसको एप्लीकेशन, एक रजिस्टर्ड कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है जिनके पास लाइसेंस है वो एप्लीकेशन देती है कि हमारे ये क्लाइंट है और हमें इजाजत दी जाए। सो ये कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और ये जो लोग ट्रैक करना चाहते हैं या क्लाइंब करना चाहते हैं ये कंपनियां उनको लेके जाती हैं। ये कंपनियां लेके जाती हैं, ये एप्लीकेशन FIU सेक्शन को देती हैं। हाँ हाँ। वो अगर परमिट दे, एक परमिट मिलता है फिर। ठीक है। वो परमिट अगर मिलता है तो आगे जा सकते हैं वरना नहीं जा सकते हैं। सो आपने वो परमिट पहले हासिल किया? जी बिल्कुल। हम 11 तारीख को लाहौर से निकले, 12 को वहाँ पे पहुंचे, 2 दिन प्रोसेस में लगे और 14 की रात को परमिट। कौन सी कंपनी है जिसके साथ आप लोग? पाजू ट्रैक एंड टूर्स बलतरो। ओके। ये वो कंपनी है जो कि वहाँ पे जिनके पास लाइसेंस है। आशन आपको कैसे शौक हुआ ट्रैकिंग का? 2018 में पहली दफ़ा मैं अपने 12 साल मतलब मेरी 2008 में शादी हुई। ठीक है। तो समझ लें कि ये पहली दफ़ा मैं अपनी फैमिली को आउटिंग के लिए लेके गया हूँ, मतलब छोटे मोटे तो चले ही जाते इतने सालों के बाद। इतने सालों के बाद। ठीक है। तो पहली दफ़ा मैं 2018 में मैं लेके गया इनको कश्मीर, और उसी मंथ में हम नारायण भी चले गए, मतलब हमारे पास उस वक्त पैसे थे तो हम चले गए। ठीक है। तो तब से शौक पड़ गया, मतलब माउंटेन्स का शौक ही पड़ गया तब से। ठीक है। प्यार हो गया ना माउंटेन्स में पहाड़ों ना। ठीक बस है। फिर तो फिर मैंने अब सोचा कि ये मुश्किल काम है, एक्सपेंसिव है, ये कैसे चलेगा? चलो एक दफ़ा तो हो गया है, अगले साल इन्होंने फिर डिमांड करनी है तो क्या करूँगा मैं? तो फिर दिमाग में आया कि क्यों ना इसको बिजनेस ही बना लिया जाए। ठीक है। तो फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई। अच्छा आपने अपनी कंपनी भी? जी फिर मैंने क्या किस नाम से बनाई? मेरी कंपनी जो है वो संधू टूर्स के नाम से है। संधू टूर्स के नाम से है। ठीक है। तो मैंने वो बनाई और फिर मैंने उसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड करवाया। रजिस्टर्ड भी है? ठीक जी बिल्कुल। वो मैं जरा बताएंगे किस तरह आप लोगों को लेकर जाते हैं? हमारा फेसबुक पेज है।
हम उस पर कंपेन करते हैं और वहाँ से लोग फिर हमें हमारे मोबाइल नंबर मिल जाते हैं, वहाँ से वो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर हम की बुकिंग करते हैं। हमने ऑलरेडी एक प्लान दिया होता है कि हमें इस तारीख को निकलना है। आप ग्रुप्स को लेके जाते जी ग्रुप्स को फिर लेके जाते हैं, वो ग्रुप हम इकट्ठा करके तो फिर जो भी डेट डिसाइडेड होती है उस पर हम जाते हैं और फिर ट्रिप करके वापस आते हैं। अच्छा, इसको कैसे शौक दिलाया है ट्रैकिंग का? इसको शौक जब ये हम गए हैं तो खुद से ही, मतलब तब से जैसे मुझे पढ़ गया साथ इसको भी पढ़ गया, ना सिर्फ इसको बल्कि वो छोटी ब्लेसिंग है ये भी, जब पहाड़ों पे जाते हैं तो ये हमारे ऊपर नहीं होती है, खुद से ट्रैक करती है ये भी। तो ख्वाहिश तब ये भी पैदा हुई कि इसको भी ले जाया जाए, लेकिन रिस्क तो पहले ही एक था, एक बच्चे का था, तो मैंने कहा कि एक बच्चे का तो रिस्क उठा लिया, लाइफ रिस्क एक्चुअली। कितने बच्चे हैं? बस यही जोड़ी है जी, ये मेरे दो। अच्छा, ये जोड़ी है। इसे दूसरे अल्फाज में मैंने ये भी कहूँगा कि ये एक लाइफ रिस्क था जो कि मैंने उठाया है, दुनियावी तौर पर बेवकूफ़ी। अच्छा, उस वक्त रिस्क लगता था, आज कैसा लगता? आज तो बहुत ही खुशी है, मतलब दिल खुश है कि मेरे बच्चे ने, और खुदा के सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, वरना दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाबी पॉसिबल नहीं थी। तो ये वो खुदा है जिसने कामयाबी दी है और दुआओं का असर है, सिर्फ मैं तो यही कहूँगा कि दुआओं का असर है, जिसने उस ऊपर जो बैठा है उसने हमें कामयाबी दे दी है। अच्छा, आपदा बच्चे की जिद करने पर माँ बाप हर चीज़ तो नहीं ना दे देते हैं, बच्चा जिद करे मुझे छुरी दे दो, छोटा सा बच्चा तो शायद वो समझता नहीं है, तो माँ बाप पकड़ा तो नहीं देता है। जब ये इतना बड़ा रिस्क लग रहा था कि ट्रैकिंग करके जाना और एक ही बेटा हो, ये इजाज़त आपने कैसे दे दी? मैंने पहले तो कहा कि नहीं जाना, बहुत यानी कि ख़तरनाक है, तो रहने दें, आप पहले खुद जाएँ देख के आएँ, फिर उसके बाद इसको ले जाइएगा। तो ये कहते कि नहीं, अब वो कह रहा है तो मैं ले जाता हूँ। तो फिर कहते कि वैसे भी पहले कोई बच्चा नहीं गया, और अगर ये चला जाता है कामयाबी से वापस आ जाता है तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। फिर मैंने कुछ दिन सोचने के बाद फिर मैंने कहा चलें ठीक है, अगर आप कहते हैं तो चले जाएँ। और मेरा खुदा पे ईमान था, भरोसा था कि खुदा ज़रूर इसको बरकत देगा और कामयाब करेगा जी। लेकिन जितने दिन ये उधर रहे हैं, एक माँ होने के नाते से क्या होता रहा है? जब तक तो इनसे बात होती रही है ना, तब तक थोड़ी तसल्ली थी कि चले बात हो रही है। अच्छा, फिर अस्कोली से जब इन्होंने ट्रैकिंग स्टार्ट की है, फिर इन्होंने बताया कि अब सिग्नल्स नहीं होंगे, अब बात नहीं होगी। मुझे ये बात नहीं था पता कि अब बात नहीं होगी। तो वो तकरीबन 12-13 दिन इनसे बात नहीं हुई, तो वो जो टाइम था वो बहुत मुश्किल था। और मैं अक्सर, मुझे तो टाइम देख देख के मैं देखती होती थी कि कब रात गुजरेगी, कब दिन, कितने दिन हो गए, क्योंकि इन्होंने बताया था कि 13 डेज में शायद हम वापस आएंगे। तो कोई रबता नहीं था, तो रोती होती थी, साथ में दुआ करती थी कि खुदावन तूने ही जैसे उसे खैर सलामती से लेके गया है, वैसे ही तूने इसे वापस भी लेके आना। अब कैसा लग रहा है जब वो 13 दिन के बाद इतनी बड़ी अचीवमेंट करके कामयाबी पाके वाइज वापस आया है, तो अब कैसा है? हाँ जी, शुक्र है खुदा का, मैं बहुत खुश हूँ। और जब अब दोबारा इजाज़त मिली तो इजाज़त देंगे? खुदा की मर्जी होगी तो फिर ज़रूर जाएगा। ओके, मैं आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यकीनी तौर पर माँ बाप के लिए ये खुशी और फ़ख्र का बायस होता है कि उनकी औलाद दुनिया में एक बड़ा नाम पाए। इसी को ही माँ बाप का नाम रोशन करना कहते हैं ना, कि जब बच्चे नाम पाएंगे तो पहला सवाल ये होता है एक किधर बच्चे ने, सो ये किसके हैं बच्चे, तो फिर साथ ही माँ बाप का नाम भी रोशन होना शुरू हो जाता है। ये एक छोटी सी रूह बैठी है वहाँ पे, बेटे आपका क्या नाम है? ब्लेसिंग आशर। अच्छा, आप ब्लेसिंग आशर हैं। ये आपका भाई जब ट्रैकिंग करने के लिए गया हुआ था तो आप घर में क्या कर रहे थे? मैं उसको बड़ा मिस कर रही थी। मम्मा जब रोती थी उनको देख के मैं रोती थी। आप रोते थे तो दुआ नहीं करते थे? दुआ भी करती थी मैं, खुदा उनकी अब शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने इन दोनों को जल्दी से लेकर आए, आसिम चाचा को, वाइस भैया को, बाबा जान को, उनकी टीम को लेकर आए जल्दी से और ख्याल सलामती से। अच्छा, जब भाई गया है
आपने नहीं जिद की थी, वो तो जिद करके चला गया। आपने नहीं जिद की थी कि मैंने भी जाना है? नहीं नहीं की थी। अच्छा, अब जब वो वापस कामयाब होके लौटा है, सर्टिफिकेट मिला है, टेलीविजन पे आ रहा है, अब आपका दिल करता है कि आप भी अगली दफा उनके साथ जाओ? हाँ जी, और पापा जाने में भी कहा था कि हम सब एक साथ जाएंगे अगले महीने। अच्छा, अगले साल जाना है कि अगले महीने जाना है? अगले साल जाना है आपने। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्रेप गोल्ड में। प्रेप गोल्ड में? तो आप इतनी बातें क्यों करती हो? दिल करता है। दिल करता है आपका? अच्छा अच्छा, दिल करता है। हाँ, और आप इतने प्यारे लग रहे हो, वो क्यों? आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो ना। आशर आपदा ब्लेसिंग और हमारा हीरो वाइज आशर, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार फिर पूरी मसीही कौम की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा मार्का जो वाइज आशर ने मारा है कि 10 साल की उम्र में 15,390 फुट का फासला ट्रैकिंग करके गया है। आपको बहुत मुबारक हो, और आपने कैथलिक टीवी को टाइम दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके सबके साथ रूबरू हो सकें। आशर और आपदा, आप एक ज़बरदस्त फैमिली हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे ट्रैक पर लगाया है। क्या घर में कोई दुआया ट्रैक भी है? जी बिल्कुल, घर में दुआ होती है। और जब ये कामयाबी करके वापस लौट आ चुका है तो इसे बार बार ये एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अपने दिल में गुरूर नहीं आने देना। फख्र जरूर है, गुरूर नहीं आने देना, क्योंकि कामयाबी सिर्फ खुदा की तरफ से मिली है। और अगर गुरूर किसी भी वक्त दिल में आ गया तो समझ लो कि आप गिर जाओगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा मगरूर का मुकाबला करता है। लेकिन जो मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसके लिए कामयाबी होता है। मतलब खुदा इंसाफ का खुदा है, और अगर कोई मेहनत करता है तो खुदा उसे कामयाबी भी देता है। सही। तो दुआ है, और दुआ करते हैं, और बच्चों को पूरी कोशिश करते हैं कि इनको हर चीज़ सिखाई जाए रूहानी तौर पर, ताकि ये खुदा में भी आगे बढ़ सके। वैसे इसको आगे क्या, कहाँ ले जाना चाहते हैं? अभी मैं देख रहा हूँ कि कौन सी ऐसी पॉइंट है जहाँ पे कोई और बच्चा नहीं गया हुआ। अच्छा, मैं वो नज़र में रखे हुए हूँ ताकि मैं उसे वहाँ पे लेके जाऊँ, और वो रिस्की भी ना हो। मतलब ये कर सकता है तो आगे भी उम्मीद है कि खुदा की मेहरबानी से ये कर लेगा, तो खुदा रास्ते बनाएगा। ज़िंदगी में उसके लिए क्या ख्वाब देखा है? ज़िंदगी में तो मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि इसे बिजनेसमैन बनाऊँगा। ठीक है। इसकी मामा कहती हैं कि नहीं, ये जॉब करेगा, तो मैं बिजनेसमैन इसलिए कहता हूँ कि उसमें बंदा किसी के अंडर नहीं होता। ठीक है। वो बिजनेस के अंडर होता है, और बस वो इंडिपेंडेंट होता है। और वो अगर बिजनेस करेगा तो अपनी मर्जी से, जितना माउंटेनियरिंग का उसके शौक है, तो वो माउंटेनियरिंग भी कर पाएगा। तो आप चाह रहे हैं वो बिजनेसमैन भी बने और अपना शौक भी रखे? जी, शौक भी साथ साथ पूरा करे। आप क्या बनाना चाहती हैं उसे जिंदगी में आगे, क्या ख्वाब देखती हैं आप? जो खुदा की मर्जी होगी वही ये करेगा। आशर, आपने अपने बच्चों की तरबियत की और उनको बहादुर बनाया। आप आज जो वालदैन आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सब वालदैन से गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी से अपने बच्चों पे नज़र रखें। उनकी एजुकेशन सबसे मेन चीज़ है, एजुकेशन उस पर नज़र रखें, क्योंकि बच्चा अगर एजुकेशन पे ध्यान नहीं देगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। जितनी मर्जी ऊंचाई पे चला जाए, अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। एजुकेशन पे ध्यान रखें, फिर अगर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट है तो उसको उसके टैलेंट में आगे बढ़ने दें, क्योंकि अगर वो अपने टैलेंट के मुताबिक आगे जाएगा तो वो, चूँकि उसका शौक है, वो उसमें बड़ी तेज़ी के साथ कामयाब होगा। और अगर वाइद आज कामयाब है तो वो अपने शौक की वजह से है, उसमें ये शौक था, मैंने उसकी शौक के मुताबिक उसको जाने दिया और वो कामयाब हुआ। तो आप ज़रूर सबसे पहले अपने बच्चों पे नज़र रखें, खुदा को टाइम दें, दुआ करें, और फिर टारगेट को सामने रखें, उसके मुताबिक आगे बढ़ते जाएं। ख़वातीन हज़रात, ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। खुदा ने हमारे बच्चों को, हमारे मसीही नौजवानों को भी, और पाकिस्तान के हर नौजवान को
बेशुमार खूबियां, सलाहितें, एनर्जी, टैलेंट्स दिए हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं, काम में लाते हैं, वही आगे बढ़ जाते हैं। आज हमारा ये हीरो, ये हमारा लिटिल स्टार, ये वाइस आशर बहुत सारे बच्चों के लिए भी और बहुत सारे नौजवानों के लिए भी मोटिवेशन और बरकत का वाइस बनेगा। गॉड ब्लेस यू। जब मुझे पता चला कि वाइस जो है वो कॉन्कॉर्डिया बेस कैंप तक पहुंच गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने फौरन से आशीष भाई को कॉल की और मैंने उनसे पूछा कि आपने इतना बड़ा कारनामा किया है, इससे करवाया है, तो क्या किसी को इसके बारे में बताया भी है कि इस बच्चे ने इतना बड़ा काम किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारी मसीही कौम का नाम रोशन किया है। तो इस बच्चे का नाम जो है वो सब तक पहुंचना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, दूसरे बच्चों को, दूसरी फैमिलीज को देख के भी मोटिवेशन मिलती है। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से मैंने रिक्वेस्ट की, मेरे भतीजे ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है तो मैं चाहती हूँ कि लोग इसके बारे में जाने। उन्होंने कहा कि ये कोई मसला नहीं है, आप हमें बताइए आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा जितना भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं इसको कीजिए, न्यूज़पेपर में, चैनल्स में। तो इस तरह से जब ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई ये खबर, चैनल्स में गई, तो वहीं से डिफरेंट चैनल्स से भी फिर आशिर को कॉन्टेक्ट किए और मुझे इसको प्रमोट करते हुए बहुत ही खुशी मिल रही है और मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज, जैसे अभी आपने सुना, देखा कि वो अपने बच्चों को कैसे उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं और उनके जो वो नन्हे नन्ही सी आँखों से बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं उनको पूरा करने के लिए कैसे उन्हें पुश करते हैं।